गाइस मैं नाम है रितेश जैसानी, आप देख रहे हैं आज रिव्यू अपडेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओजार्क के सीजन 4 के पार्ट 1 को लेके। तो फिर क्या आपको आपका कीमती टाइम इस सीरीज को देना चाहिए? वो जी हाँ, इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। वो जी हाँ, इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। और साथों साथ मैं आपको बता दूँ कि इस सीजन को भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो फिर आ जाते हैं सीजन 4 के पार्ट 1 की स्टोरी लाइन को लेकर। तो इसकी स्टोरी लाइन में इस बार रूथ जाके डार्लिन के साथ मिल चुकी है। तो फिर रूथ और डार्लिन मार्टी और वेंडी के लिए कौन कौन सी मुसीबतें खड़े करते हैं वो तो आपको जानने के लिए सीरीज ही देखनी पड़ेगी। और साथों साथ उन्हें नवारो ड्रग कार्टेल का आखिरी काम भी करना है, और वो आखिरी काम करने के बाद वो पूरी तरह से अपनी आजादी पा सकते हैं। तो फिर क्या वेंडी और मार्टी को अपनी आजादी मिलेगी? तो यही कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इसका सीजन 4 का पार्ट 1। बात कर लेते हैं क्या इसका सीजन 4 आगे के सीजन की तरह अच्छा है या फिर बुरा। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल वर्ड में इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका सीजन 4 बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो ये चीज़ हमें यही बताती है कि क्रिएटर के पास क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, और हमें पूरी तरह से सरप्राइज और थ्रिल के जाल में जकड़ लेती है, और हमें पूरी तरह से सरप्राइज भी करती रहती है, और हम आगे तक गेस नहीं कर पाते कि इसकी स्टोरी लाइन अब आगे कहाँ पे जाने वाली है। फिर आ जाते हैं एक्टर की एक्टिंग को लेके। तो नो डाउट इसमें सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है, और वो हमें दिखता भी है। लेकिन स्पेशली जो रुथ का कैरेक्टर निभा रही एक्ट्रेस जूलिया जर्मन, उनका तो क्या परफॉर्मेंस था, यानी कि वॉट अ परफॉर्मेंस। और उसका मतलब नहीं कि जो बाकी के कैरेक्टर निभा रहे एक्टर्स और एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बकवास है, नहीं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर आ जाते हैं सीरीज के सिनेमेटोग्राफी और शूटिंग लोकेशन को लेके। तो उसे देखते तो लगता है कि नेटफ्लिक्स ने अच्छा खासा बजट इसे दिया होगा, और नो डाउट वो देना भी चाहिए क्योंकि ये सीरीज उसके हकदार है। फिर आ जाते हैं इसके क्लाइमैक्स को लेके। तो इसका क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा ग्रैंड है और बहुत ज्यादा धमाकेदार है, जो कि हमें यही हिंट देता है कि ये सब अभी शुरुआत हुई है, अभी इसका अंत होना बाकी, यानी कि इसका सीजन 4 का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इसी साल को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स सीरीज अच्छी है तो फिर आपको घुमाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर आ जाते हैं मैं रेटिंग के ऊपर। तो इसके सस्पेंस और थ्रिल के लेवल को देखते हुए मैं इसे रेट दूंगा 5/4.7 की रेटिंग, यानी कि एक मस्ट वॉच की रेटिंग। और जी हाँ, आपको इसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।